मणिपुर में इस वक्त जो हिंसा चल रही है उसके खिलाफ वडोदरा के मणिपुरी समुदाय की ओर से विरोध प्रदर्शित किया गया। मणिपुर राज्य में बीते 6 हफ्ते से भी ज्यादा के बीच से 2 गुटों के बीच में काफी ज्यादा हिंसा भड़क उठी है। ऐसे में आज वडोदरा में बसने वाले मणिपुरी समुदाय की ओर से कमाटीबाग बैंड स्टैंड पर शांति संदेश के साथ विरोध प्रदर्शित किया गया। दरअसल मणिपुर में हिंसा के चलते जिस तरीके से जानहानि हो रही है, इस मामले में वडोदरा के मणिपुरी समुदाय की ओर से पोस्टर लेते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया और साथ ही इस हिंसा को बंद करवाने की अपील भी साझा की गई। देखिए, हम ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 3 मई से अभी जो हिंसा वायलेंस वगैरह चल रहे हैं मणिपुर में, अभी इसका कोई समाधान निकल नहीं पा रहे हैं। मणिपुर सरकार ले लो या भारत सरकार ले लो, वहाँ पे अभी भी कोई शांति नहीं है। लोगों के घरें अभी भी जल रही है, लोग हर रोज़ मर रहे हैं, वहाँ के आतंकवादी जो है मतलब आम जनता को मतलब अटैक कर रहे हैं, और फिर मोर देन 70,000 पीपल के हाउसेज जो है अभी डिस्प्लेस है, वो लोग बेघर है, वो लोग मतलब अभी कैंप पे रह रहे हैं, पर वो लोग कितने देर तक वो कैंप पे रह सकते हैं। तो फिर मतलब मणिपुर जैसी छोटा सा एक राज्य जो है, भारत सरकार और मणिपुर सरकार मिलके ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं? 40 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं ये प्रॉब्लम। तो फिर ये प्रॉब्लम जो है अगर किसी जगह पे, जैसे गुजरात ले लो या दिल्ली ले लो या बिहार ले लो, मतलब इंडिया के कहीं भी जगह ले लो, अगर ये प्रॉब्लम होती तो फिर कम से कम 3 से 4 दिन तक, मान के चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती, पर ये 40 दिन से भी ज़्यादा चल रहे हैं। वहाँ के लोग मर रहे, इसका कोई महत्व नहीं है क्या? पर मैं ये मतलब अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस मंच के द्वारा, कि मतलब मेरी फेलो इंडियन सिटीजन्स को भी ये मतलब भारत सरकार को सवाल उठानी चाहिए। मणिपुर जो है मतलब इंडिया के एक राज्य है, तो फिर सब मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए।